मैंने उसे पहले भी देखा है, एक सपने में। सपने में मैं किसी पुराने हिंदी गाने की आवाज का पीछा करते करते मैं अचानक अपने घर से बाहर आ जाता हूँ। हल्की बर्फ पड़ती है ना, स्नोफॉल, वो हो रहा है। लेकिन वो बर्फ नहीं है, राख है। ऐसे तो ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ये क्या स्टेटमेंट दिया इसने? देखो विकी, हम तुम्हारे बात पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें सब कुछ डिटेल में सच सच बताना होगा, ओके? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है, बल्कि मैंने तो आपको कॉल करके बुलाया था। देख, चार लोग मारे गए और तू अकेला जिंदा निकला है वहां से। हम कैसे मान ले कि खून तूने नहीं किया? अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन था वो? सर, मैं नहीं जानता वो कौन था। मैं नहीं जानता वो किसने मारा। वो जो भी था वो अचानक से आया। और वो एक बार ध्यान से सोचो और मुझे बताओ, उस दिन जब तुम फैक्ट्री में गए तो वहां क्या क्या हुआ था? मुंबई से बाहर एक फैक्ट्री में बुलाया था रंजीत ने। उसी की फैक्ट्री थी वो। फैक्ट्री में 6 दिन उसका नॉर्मल बिजनेस चलता था और 1 दिन वो सारे काले धंधे करता था। पिछले असाइनमेंट में बड़ा माल हाथ लगा था तो पैसे बांटने के लिए उसने मुझे और अली को बुलाया था। रंजीत की कार वही थी और एक बाइक भी थी, शायद वो अली की होगी। मैंने सोचा वो आ गए हैं तो मैं अंदर चला गया। कौन दिखा तुम्हें फैक्ट्री में? फैक्ट्री में तो कोई नहीं था, रंजीत भी नहीं। फैक्ट्री के एंट्रेंस पे आ गए कैसे? मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे आया। सर, मैं तो फैक्ट्री के अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन सर मैं बता रहा हूं, उस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा वो मेरा भ्रम होगा तो मैं फिर से अंदर चला गया। रंजीत, 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 Thank you.
रंजीत। विक्की, अली तू कब आया? मैं तो रंजीत के साथ आया उसे कार में। कहाँ है वो? वो ये क्या किया तूने? मैंने? अरे मेरे पास तो गन है। देख रंजीत को किसी ने हथौड़े से मारा है। अब ये जिंदा भी है या नहीं? एक मिनट, तूने बोला तू उसके साथ आया, तो जब ये हुआ तब तू कहां था? मैं पीछे बाथरूम में था। पता नहीं, लेकिन इसे मारा हुआ नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये किया किसने? चल चल चल। कौन आया था फैक्ट्री में? पीटर और विकास। तेरे दूसरे शिकार। मैंने उन लोगों को नहीं मारा। हाँ चल चल। फिर आगे क्या हुआ? रंजीत माय फ्रेंड, रंजीत, रंजीत, विक्की, प्लेजेंट सरप्राइज। तू ये क्या कर रहा है? ना हाल पूछा ना चाल, सीधा सवाल। तेरे बाप से मिलने आया हूं। वो क्या है ना, बिजनेस का काम है। रंजीत से मिलना है? अगर कोई बिजनेस की बात होती ना तो रंजीत हमको जरूर बताता। ओहो, तुम लोग को नहीं बताया? मेरे को तो बहुत छोटे लोचे लग रहे हैं। कहीं इसी नहीं तो रंजीत को? पॉसिबल ही नहीं, जब भी बाहर से आया मैंने देखा। ए, क्या लफड़ा चल रहा है तुम लोग का? रंजीत किधर है? रंजीत, रंजीत, रंजीत मर गया है। क्या क्या बोला तू? जो तू सुना। जब हम दोनों यहाँ पर आए तब रंजीत पहले से रूम में था। अबे तू टपक गया रे। बैग किधर है? क्या? अरे पैसा किधर है? तुझे बैग के बारे में कैसे? हमारे अलावा यहाँ पे कोई और भी है जिसने रंजीत को मारा, और बैग भी उसी के पास है। ए देखो ना तुम दोनों, जाओ। क्या बोल रहे तू? पहले रंजीत, फिर पीटर, और अब वो विकास। तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? आज भी तूने लिया है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच बोल। देर से तेरी बकवास सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं
क्योंकि साले तू हमारा इन्फॉर्मर है, वरना तेरी ये बेकार कहानियां सुनने नहीं बैठे हम लोग। एक बार के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि वहां पर कोई और भी था जो सबको मार रहा था, लेकिन ये क्या बात हुई? दिखता है, गायब हो जाता है, तुम्हें सब मरे हुए दिखते हैं। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? इंसान है या भूत? सर वो कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई भूत, वो इन दोनों में से कुछ नहीं है सर, वो कुछ और ही है सर, वो कुछ और ही है। करके सब मर गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और मैं क्या करूं, कैसे निकलूं वहां से। जैसे ही मैं बाहर गया मेरी कार भी गायब थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वहां से निकलूं कैसे। बाहर निकलने की कोशिश करते करते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखते ही नहीं गया। इस बार मैंने उसे देखा, वो मेरे सामने ही था। मैंने उसे पहले भी देखा है, एक सपने में। सपने में किसी पुराने हिंदी गाने की आवाज का पीछा करते करते मैं अचानक अपने घर से बाहर आ जाता हूँ। हल्की बर्फ पड़ती है ना, स्नोफॉल, वो हो रहा है, लेकिन वो बर्फ नहीं, राख है। मेरे सामने कुछ दूर एक चेयर है और उसी चेयर पर वो बैठा था। होश है अब, मैंने आप लोगों को कॉल कर दिया। अच्छा तो उसने तुझे जिंदा छोड़ दिया? क्यों, तुम्हें ही क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहता है। हाँ? तो यहां नहीं आया तेरा जोकर? कह रहा है पागल, पागल हो गया क्या?
अबे ओ, मस्ती चढ़ी है क्या तेरे को? उसने सबको मार दिया, बस मुझे ही नहीं मारा है, मुझे जिंदा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत है। वो फैक्ट्री में ही था, उसे सबको मार दिया पर तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे शरीर की जरूरत है, तुम्हारे सपनों में आता है। तुम जहां जाते हो वो वहां होता है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग होंगे वो उन्हें मारेगा पर तुम्हें नहीं, क्योंकि आईने के उस तरफ वो खड़ा है। मतलब साफ समझ आ गया। जब हम आईने में देखते हैं तो सामने हम अपने आप को देखते हैं। एक तरह से देखे तो जब हम आईने में देखते हैं तो हम अपने जैसे दिखने वाले किसी और इंसान को देखते हैं। क्या होता अगर हम उसी आईने में अपनी जगह किसी और इंसान को देखते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग दिखता हो? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी स्प्लिट पर्सनालिटी। इसका मतलब हम दोनों एक ही है।